Hello, my dear students. Welcome to Fundo Tutor platform. In this video, I will explain you about process of controlling. So, process of controlling को start करने से पहले आपको controlling के बारे में एक overview पता होना चाहिए. Controlling होता क्या है? Well, controlling is the last function of management. मतलब it is performed by manager. Manager perform करता है. क्यों perform करता है controlling? इसलिए perform करता है कि वो अपने employees की performance को check कर सके कि employees कैसा perform कर रहे हैं. क्या employees standards के according perform कर रहे हैं या नहीं? मतलब उन्हें जो target दिया गया था, क्या employees उसके accordingly perform कर रहे हैं? या वो अपने टारगेट्स को मीट नहीं कर पा रहे हैं, क्या सिचुएशन आ रही है? और अगर एम्प्लॉयज़ अपने टारगेट को मीट नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे कौन से एक्शंस लिए जाएं कि आगे आने वाले फ्यूचर में एम्प्लॉयज़ अपना टारगेट बहुत इजीली अचीव कर पाएं. तो प्रोसेस क्या होता है? और प्रोसेस का मतलब है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स कि मतलब कोई भी चीज़ करते टाइम कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, और वो भी एक प्रॉपर ऑर्डर में. मतलब स्टेप वन क्या होगा, स्टेप टू क्या होगा, स्टेप थ्री क्या होगा, एंड सो ऑन. तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई मैनेजर कंट्रोलिंग करना चाहता है तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे. प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. तो आइए देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं कंट्रोलिंग में. तो नंबर वन, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है टारगेट. कि सबसे पहले मैनेजर को अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए टारगेट सेट कर लेने चाहिए, और वो टारगेट सेट करने के बाद इम्प्लॉयज़ को क्या कर देना चाहिए? कम्युनिकेट भी कर देना चाहिए कि उनके लिए क्या क्या टारगेट है. मतलब एक एम्प्लॉय को ढंग से पता होना चाहिए कि उसे कौन सा टारगेट अचीव करना है. और टारगेट को सेट करते टाइम मैनेजर को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो टारगेट अचीवेबल टारगेट हो. मतलब वो कोई ऐसा टारगेट ना हो जो इम्प्लॉई अचीव ही ना कर पाए. ऐसा कोई टारगेट ना हो, इससे इम्प्लॉयज़ क्या हो जाएंगे? नहीं तो डीमोटिवेट हो जाएंगे. अगर इम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखना है तो हमें टारगेट्स किस टाइप के रखने होंगे? टारगेट रखने होंगे अचीवेबल. दूसरी बात, टारगेट्स होने चाहिए क्वांटिटेटिव, नंबर्स की फॉर्म में होने चाहिए टारगेट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर एक दिन में कितना प्रोडक्शन करनी है, इससे रिलेटेड टारगेट सेट करना है. तो लेट सपोज टारगेट सेट कर दिया गया है 10 units per day, कि एक एम्प्लॉय को 10 units बनानी है, प्रोड्यूस करनी है एक दिन में. तो ये क्या है? ये टारगेट फिक्स हो गया है. तो कंट्रोलिंग प्रोसेस स्टार्ट ही होता है विद द सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड. सबसे पहले स्टैंडर्ड को क्या करना होता है? फिक्स करना होता है. टारगेट को क्या करना होता है? फिक्स करना होता है. और वो अच्छे से कन्वे करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है उस टारगेट को एम्प्लॉयज को या सबॉर्डिनेट्स को, जिन्हें मैनेजर क्या करना चाहता है? कंट्रोल करना चाहता है. व्हाट नेक्स्ट? मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस. अब एम्प्लॉय की एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं. एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है? कि एम्प्लॉय ने कैसा परफॉर्म किया है. एम्प्लॉय ने एक्चुअली में वन डे में कितनी यूनिट्स बनाई हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्चुअल परफॉर्मेंस. अगर जैसे मैं राम की बात करूं तो राम ने 8 units बनाई है पर डे. तो ये क्या है? ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है राम की. अगर मैं शाम की बात करूं तो शाम ने 10 units बनाई है पर डे. तो एक्चुअल परफॉर्मेंस शाम की कितनी है? 10 units. तो स्टेप थ्री, आफ्टर मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमने मेजर कर लिया, अब हम क्या करेंगे? अब हम एम्प्लॉय की एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ. कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड. अब हम हर एक एम्प्लॉय का कंपैरिजन करेंगे कि उसे टारगेट कितना दिया गया था और एक्चुअली में उस एम्प्लॉय ने कितना परफॉर्म किया. तो अगर तो ऐसी चीज़ हुई है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस यानी कि एपी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, यानी कि जो टारगेट दिया गया था उतना ही परफॉर्म किया है. जैसे शाम है, शाम ने 10 units बनाई है एक दिन में, और टारगेट भी क्या था? 10 units का. तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर कोई डेविएशन नहीं है. नो डेविएशन इज देयर.
लेकिन अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस मिसमैच करती है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, तो यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात है। मतलब दो केसेस हो सकते हैं इसमें, या तो एक्चुअल परफॉर्मेंस ग्रेटर देन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, या एक्चुअल परफॉर्मेंस लेस देन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। तो अब यहाँ पर हम सिर्फ कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस का विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, ये देखने के लिए कि क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मैच कर रही है या नहीं कर रही है। नेक्स्ट, एनालाइजिंग डेविएशंस। अगर हमने देखा कि एक्चुअल परफॉर्मेंस इज नॉट इक्वल टू स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, मतलब डेविएशंस आर देयर, तो हम एनालाइज करेंगे डेविएशंस को। एनालाइज करने का मतलब क्या है? डीपली स्टडी करेंगे हम डेविएशंस को कि डेविएशन किस टाइप की है। बच्चों एक होता है पॉजिटिव डेविएशंस, एक होता है नेगेटिव डेविएशंस। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस इज ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, एंड नेगेटिव डेविएशन का मतलब होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस इज लेस देन द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। अगर मैं बात करूं राम की, तो राम ने नेगेटिव डेविएशन शो किया है, क्योंकि टारगेट राम को दिया गया था 10 यूनिट्स बनाने का, लेकिन राम ने कितनी बनाई? राम ने बनाई 8 यूनिट्स। तो 2 यूनिट्स की क्या है यहाँ पे? नेगेटिव डेविएशन है। और अगर कोई पर्सन ज्यादा टारगेट से ज्यादा बना देता है, लेट सपोज एक एम्प्लॉय ने बनाया है 15 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दी है एक्चुअली में, लेकिन उसे टारगेट कितना दिया गया था? टारगेट तो 10 यूनिट्स का था, तो यानी कि यहाँ पे 5 यूनिट्स का क्या है? पॉजिटिव डेविएशन है। तो हम डेविएशंस को एनालाइज करते हैं, ये देखते हैं कि अगर डेविएशन आ रही है, पॉजिटिव डेविएशन आ रही है या नेगेटिव डेविएशन आ रही है, तो उसके पीछे रीजंस क्या हैं, डेविएशन के रीजन क्या हैं। नेक्स्ट, स्टेप 5, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब डेविएशंस को एनालाइज हमने कर लिया, ये देख लिया हमने, रीजन देख लिया क्यों ऐसा हो रहा है कि डेविएशंस आ रही हैं। अब हमें कुछ ऐसे एक्शंस लेने हैं जिससे कि वो डेविएशन फ्यूचर में ना आए। हम कंट्रोलिंग को फ्यूचरिस्टिक बोलते हैं। क्यों कंट्रोलिंग को फ्यूचरिस्टिक बोला जाता है? बिकॉज कंट्रोलिंग इज डन फॉर इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कंट्रोलिंग की जाती है, इसीलिए कंट्रोलिंग रिलेट्स टू नियर फ्यूचर, इसलिए कंट्रोलिंग को क्या बोला जाता है? फ्यूचरिस्टिक बोला जाता है। तो यहाँ पर हम पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकते, बट हम नियर फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं कि अगर राम ने 8 यूनिट्स बनाई हैं, बट आगे आने वाले टाइम में राम क्या करे, 10 यूनिट्स का टारगेट अचीव कर पाए, तो उसके लिए कुछ करेक्टिव एक्शंस लेने होंगे, मतलब कुछ स्टेप्स लेने होंगे जिससे कि आगे एक्चुअल परफॉर्मेंस इक्वल हो जाए स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के। लेट सपोज डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन का रीजन ये था कि पावर कट होता रहता है फैक्ट्री में, जिसकी वजह से प्रोडक्शन क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो मैनेजर ने करेक्टिव एक्शन ले लिया कि जनरेटर लगवा दिया फैक्ट्री में, जिसकी वजह से अब अगर पावर कट भी होगा तो जनरेटर की हेल्प से प्रोडक्शन स्मूथली चलती रहेगी और एम्प्लॉयज अपना टारगेट बहुत इजीली अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट, स्टेप 6 आफ्टर टेकिंग द करेक्टिव एक्शंस इज फीडबैक। यहाँ फीडबैक में मैनेजर क्या करता है? फीडबैक रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है, और उस फीडबैक रिपोर्ट को प्रिपेयर करते टाइम मैनेजर उस रिपोर्ट में क्या मेंशन करता है? मेंशन ये करता है कि डेविएशंस के रीजन क्या थे, सेकेंड थिंग क्या करेक्टिव एक्शंस लिए गए उस डेविएशंस को ठीक करने के लिए। इस फीडबैक रिपोर्ट को आगे अगर सेम चीज होती है, सेम डेविएशन के रीजन आते हैं वही वाले सेम, तो सेम करेक्टिव एक्शंस लेकर, मतलब इसको एज अ बेस यूज किया जा सकता है फॉर फ्यूचर कंट्रोलिंग। तो आई होप आपको कंट्रोलिंग प्रोसेस समझ में आया होगा। तो इन शॉर्ट, कंट्रोलिंग प्रोसेस में 6 स्टेप्स आर देयर। नंबर 1, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। नंबर 2, मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। नंबर 3, कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। नंबर 4, एनालाइजिंग डेविएशंस। एंड नंबर 5, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। नंबर 6, फीडबैक।
Thank you so much for watching.